धान के फसल खड़ी हुई है, परंतु उस फसल को पकी हुई फसल खड़ी हुई है, बीज चटक चटक के गिरने लग गए हैं, परंतु उस फसल को कोई काटने वाले नहीं दिख रहा। कहीं भी देखा तो गाड़ी के टूटे फूटे पहिए पड़े हुए हैं, चक्के पड़े हुए हैं, तो कहीं कोई बैल मरा पड़ा दिख रहा है, तो कहीं घड़े के खप्पड़ फूटे पड़े दिख रहे हैं। मतलब पूरा नगर उजड़ा हुआ था वो, और वहां कोई व्यक्ति नहीं था। तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा नगर क्यों है ये? किसी दैविक प्रकोप ने ऐसा कर दिया, अथवा किसी शत्रु राजा ने इस नगर को उजाड़ दिया और सारे लोगों को मार डाला अथवा बंदी बना लिया, या फिर किसी जंगली जानवर ने उत्पात मचाते हुए इस नगर की ये दशा कर दी है। कारण क्या है, बात क्या है? तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, ये कौन सा नगर है और ये नगर इतना उजाड़ क्यों है? यहाँ कोई स्त्री पुरुषों का गमनागमन क्यों दिखाई नहीं देता है? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया देखता हूँ, कुछ पता करता हूँ, पर पता किससे करूँ? यहाँ तो कोई नर नारी दिखाई नहीं दे रहा, पता किससे करेंगे? उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा, जो बड़ा विशालकाय वृक्ष था, बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ी छाया के साथ युक्त था। ऐसे उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर उन्होंने दूर दूर तक देखा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ देखो वहाँ बस यही यही दृश्य है, कहीं टूटे फूटे खप्पड़ पड़े, तो कहीं फसलें खड़ी, तो कहीं जानवर मरे पड़े, कहीं बैलगाड़ी पड़ी हुई, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ। ऐसा उजाड़ टाइप का पूरा दृश्य दूर दूर तक दिखाई दिया। दूर से एक व्यक्ति चला आ रहा था। लक्ष्मण उसको देखा, उनकी तुरंत आस बन गई, बोला, भैया भैया, इस उजाड़ नगर में भी एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहा है वहां से। अब मुझे शंका हो रही है, ये आ रहा है कि जा रहा है? क्योंकि दूरी के कारण से स्पष्ट कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, हो पा रहा है कि ये व्यक्ति आ रहा है कि जा रहा है। शंका, भौतिक ज्ञान में शंका। इस प्रकार से बहुत देर तक वो उसको टकटकी लगा करके देखते रहे कि आ रहा है कि जा रहा है। ठूठ तो नहीं है, ये तो निश्चित हो गया, क्योंकि वो ऐसा ऐसा हिलते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए ठूठ तो नहीं है तो मनुष्य, पर आ रहा है या जा रहा है ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है अभी। थोड़ी देर तक उसको टकटकी लगाकर जब देखते रहे, उसके कुछ अंग अवयव स्पष्ट दिखाई देने लग गए, तब उनको निर्णय हो गया, हाँ ये जा नहीं रहा है, आ ही रहा है। तब उन्होंने कहा, भैया एक व्यक्ति वहाँ से चला आ रहा है। तब रामचंद्र जी ने कहा, भाई उसको लेकर तो आओ, पूछे तो क्या कारण है, ये देश उजड़ा हुआ क्यों है, ये नगर उजड़ा हुआ क्यों है? तब अवंती देश के वो दशांगपुर नमक नाम का नगर था, वो अवंती देश का दशांगपुर नमक नमक नहीं नगर। तो जब वो व्यक्ति पास आ गया तो लक्ष्मण जी उसके सामने पहुंच गए, थोड़ा वो भयभीत हो गया, उसको लगा ये पता नहीं कौन आदमी आ गया, क्योंकि वहां तो उजाड़ था, कुछ था ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। और जो नरनारी थे वो बहुत दूर जाकर के राजा का जो महल था उस महल के समीप केवल परकोटा बना हुआ था, उस परकोटे के अंदर छिपे हुए थे, इसलिए बाहर कोई था ही नहीं, तो थोड़ा भयभीत हो गया। तो लक्ष्मण ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, भय मत खाओ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ और मैं अपने भाई भावज के साथ यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा, तुम कौन हो भैया और इस उजाड़ क्षेत्र में, इस बियाबान जंगल में कहाँ से चले आ रहे हो? उन्होंने कहा, ये तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले तुम ये बताओ कि ये सब है क्या, ऐसा उजड़ा हुआ क्यों है, हमारे भैया इस देश के बारे में जानना चाहते हैं। तब उसने उस व्यक्ति ने उस देश की राजा की दुर्दशा की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हे शुभ लक्षणों से युक्त पुरुषों, हे महाकांतिमय देवी, ये जो नगर है दशांगपुर नाम का नगर कहलाता है, यहाँ का राजा वज्रकर्ण था है, और वो वज्रकर्ण जो राजा है अवंती देश के जो महाराजा सिंहोदर हैं, अवंती देश में उज्जैनी नगरी के जो राजा सिंहोदर हैं, वह राजा वज्रकर्ण उन सिंहोदर राजा का अनुचर है, सेवक है। परंतु एक दिवस क्या हो गया,
वह उनकी सिंहोदर की आज्ञा में जीता था, उनको ही नमस्कार करता था। एक बार मुनिराज के दर्शन जंगल में भ्रमण करते हुए उस वज्रकण को हो गए। उसने मुनिराज को, यद्यपि वह क्रूर था, धर्म कर्म के कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं थी और निरंतर पाप के ही कार्यों में संलग्न रहता था, परंतु मुनिराज का समागम हो जाने से और मुनिराज का उपदेश सुनकर के उसकी बुद्धि कुबुद्धि से, दुर्बुद्धि से सुबुद्धि हो गई और वह धर्मात्मा होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर गया। और उसने उन मुनिराज के समक्ष यह संकल्प कर लिया कि मैं भगवान जिनेंद्र के अलावा किसी अन्य को अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कई बार नियम तो अपन ले लेते, लेकिन उस नियम के पीछे परीक्षा भी होती है। लेकिन एक बात तो तय है, जो जो धर्म का सहारा लेगा उसकी परीक्षा हो सकती है, परीक्षा तो हो सकती है, उसको कुछ आपत्ति विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु ये बात भी निश्चित है, धर्म ही उसका सहायक होता है। कर्म के उदय से उसके ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है, क्योंकि जब आप धर्म का सहारा लेते हो, जब आप कुछ शुभ क्रिया करते हो, व्रत उपवास आदि करते हो, उस समय आपके जो कर्म रखे हुए हैं वे कालांतर में उदय आने वाले कर्म तप के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से शीघ्र उदय में, पहले उदय में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं उदीर्णा, उनकी उदीर्णा हो जाती है। तो उदीर्णा होने से जो आपको भविष्य में कष्ट देने वाला था वह कष्ट तप के प्रभाव से पहले कष्ट दे गया, जो बड़ा कष्ट देने वाला था तप के प्रभाव से थोड़े कष्ट में निकल गया। तो इसलिए अब कभी आपके ऊपर ऐसा हो जाए तो विकलता मत लाना अंदर में, धर्म को छोड़ मत बैठना। अक्सर लोग ऐसा कहते मिलते हैं कि महाराज जी, हम बहुत धर्म करते हैं, बहुत पूजन पाठ करते हैं और सारी विपत्तियां हम पे ही हैं, जो कुछ नहीं करते पाप करते हैं, वे फल फूल रहे हैं, हम मुरझा रहे हैं। अरे भैया, तप के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से भविष्य काल में उदय आने वाले जो कर्म होते हैं वे पहले उदय में आ जाते हैं। और ये तो अच्छा समय मान के चलो कि धर्म के प्रभाव से हमने अपने कर्मों को पहले ही उदय में बुला लिया, कालांतर में आते, भविष्य में आते, हम नहीं सहन कर पाते, संकलेशता करते, संकलेशता मरण करके नरकों के दुख भोगते, तो भाई हमारा कर्म तप के प्रभाव से हल्का होकर के नरक का दुख थोड़े बहुत कष्टों में निकल जा रहा है, निकल जान दो उसको। उस समय भक्ति बढ़ा देना चाहिए, ना कि छोड़ के घर भाग जाना चाहिए। भक्ति छोड़ दोगे अब सहारा क्या बचा तुम्हारा? पाप, उससे कर्म बंध बढ़ेगा कि कम होगा? इसलिए जब विपत्ति का समय पड़ने लग जाए तो उस समय ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, ज़्यादा घूमो फिरो मत, अपनी भक्ति बढ़ा देना चाहिए, तप बढ़ा देना चाहिए, त्याग बढ़ा देना चाहिए, जिससे वो कर्म शीघ्र ही निकल जाए और थोड़ा मंदा होकर के निकल जाए। इस प्रकार से जब उस वज्रकर्ण के ऊपर विपत्ति आ पड़ी, अब तो विपत्ति क्या पड़ी, क्योंकि वो सिंहोदर का सेवक था और उसको सिंहोदर को नमस्कार करना पड़ता था, पर जब उसने नियम ले लिया कि मैं तो मुनिशुभ्रतनाथ भगवान को ही नमस्कार करूंगा और अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, तब सिंहोदर को नमस्कार कैसे करूं, नहीं करता हूं तो प्राण हरण कर लेगा, वो करता हूं तो मेरा सम्यक दर्शन छूट जाएगा। उसने एक युक्ति बनाई, उसने एक अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी में नग की, भगवान की प्रतिमा बनवाई, रत्न की, और उसने अंगूठी तो उंगलियों में पहनते, अंगूठे में अंगूठा, तो अंगूठी में उसने भगवान की एक प्रतिमा बनवा करके उसमें जड़वा ली। अब जब भी वो सिंहोदर के सामने जाता था वो अंगूठे को यूं करके नमस्कार करता था और मन में इस बात की धारणा रखता था कि मैं, अरे विपत्ति आ रही है भाई बड़ी वाली, ताली बजा रहा, ये तो अच्छा है कि उसने अच्छी युक्ति सोची, पर जो बैरी हैं वे तो दरार ही ढूंढते रहते हैं ना, छिद्र ही ढूंढते रहते हैं। जो शुद्ध पुरुष होते हैं, जो कसाई पुरुष होते हैं, वे तो छिद्र ही ढूंढते रहते हैं, कहाँ इसकी कोई कमी मिले, क्योंकि उनको दूसरों का सुख देखा नहीं जाता,
बेचारे कुड़कुड़ के ही मर जाते हैं, कुड़कुड़ के ही मर जाते हैं। जो दूसरों के सुख में जलसी रखते हैं, जलन रखते हैं, वे जीव कभी सुखी नहीं होते, वे जल जल के ही मर जाते हैं। आंसू भाई किसी जलन नहीं रखना, नहीं तो तुम ये सोचने लगे हमारे प्रेस भैया मंत्री है तो ये बढ़िया आनंद से मंत्री पद को भोगते हैं, हमें मंत्री नहीं बनना बन पाए। हम मालूम है तुम्हें कुछ नहीं बनना, हमें पता है, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो तुम उनसे जलना नहीं, ईर्ष्या करो नहीं तो। ये देखो भगत आदमी है, सेवा करता है, धर्म की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, ऐसा करो सोचोगे तो आनंद आएगा। और ये सोचोगे कि ये मंत्री बन गए, ये समाज के मुखिया बन गए, हम रह गए तो कसाया आएगी, कष्ट होगा, ऐसा सोचना नहीं। मालूम है मैं आप नहीं सोचते हो, फिर भी हम तो बोल रहे हैं। इस प्रकार से वह सिंगोदर नमस्कार करता था भगवान को, और नमस्कार करके उसका काम चल जाता था। परंतु एक क्षुद्र पुरुष ने ज्ञात कर लिया कि सिंगोदर, ओ वज्रकर्ण सिंगोदर राजा को नमस्कार नहीं करता है, मणि मणि रूप में मणि की प्रतिमा अंगूठे में उकेर के रखी हुई है अंगूठी में, उसको नमस्कार करता है। वो कसाई ने जाकर के द्वेष में भर करके, ईर्ष्या में भर करके ये बात सिंगोदर को बतला दी। सिंगोदर ने कहा अच्छा, इतनी मायाचारी, इतना छल मेरे साथ, मेरा दास, मेरा अनुचर होकर के, मेरा सेवक होकर के मुझसे छल करता है। उन्होंने तुरंत ही अपने सेनापति और पत्रवाहक के साथ पहुंचाया और कहा कि वज्रकर्ण से कहो शीघ्र आकर के मुझे नमस्कार करे, अन्यथा परिणाम बहुत कुरूप होगा। ऐसा पत्र पाकर वज्रकर्ण तुरंत ही 100 सुवटों को घोड़े पे सवार करके और चल पड़ा। उसको थोड़े ही मालूम था वहाँ कहानी क्या हो चुकी है, वो तो बेचारा भोला भाला धर्मात्मा जीव, वो उसने सोचा हम तो ऐसे नमस्कार कर भग जाएंगे, उधर कहानी तो पलट चुकी थी। जैसे ही निकला तो रास्ते में एक उसका पुण्य काम आता है, धर्म काम आ जाता है, आड़े आ जाता है। बुरे समय में जब समय बुरे आ जाता है उस समय धर्म कहीं ना कहीं से किसी ना किसी, आप देखते जाना जो वास्तव में धर्मात्मा जीव है, वास्तव में धर्मात्मा होना चाहिए, दिखावे का नहीं, जो धर्मात्मा जीव है यदि उसके ऊपर विपत्ति आ भी जाती है तो भी कोई ना कोई मार्ग ऐसा निकल के सामने आ ही जाता है जिस मार्ग से उसकी वो विपत्ति धीरे से टल जाती है। अनुभव कर लेना आप, तो मेरा तो दावा है आपसे, दावा है मेरा आपसे, कभी भी अनुभव करके देख लेना। किसी धर्मात्मा के ऊपर विपत्ति आएगी उसको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ता, धीरे से निकल जाती है वो। अधर्मात्मा के ऊपर विपत्ति आती है बहुत पीड़ती है, बहुत कष्ट देती है। तो उसके ऊपर जो विपत्ति आ गई वो गया, और जैसे ही नगर से बाहर निकला अपने, उसको एक क्या बोलते हैं हम आपके शुभचिंतक हैं, हाँ, तो एक शुभचिंतक मिल गया और शुभचिंतक ने उसको रास्ते में वहीं रोक लिया। उसने कहा हे वज्रकर्ण, हे राजा, यदि तुम्हारा मन अपने नगर से भर गया है, अपनी पत्नी के साथ भोगों को भोगते भोगते तुम उदास हो चुके हो, पुत्र आदि का अब तुम्हें कोई मोह नहीं बचा है, धन संपत्ति की अब तुम्हें कोई इच्छा नहीं बची है, तो उधर जाना। उसने कहा ऐसा क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों? बोला वहां जाओगे तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे, वज्रकर्ण वो सिंहोदर तुम्हारे प्राण हरण करने के लिए इसने तुम्हें बुलाया है, मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन करूं, तुम हो कौन? तब उसने कहा कि तुम्हें यदि यकीन नहीं है तो यथार्थता तुम्हें जाकर ही पता पड़ेगी, इसलिए तुम्हें यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहिए तो तुम्हें मेरी बात स्वीकारना ही पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा जैसा धर्मात्मा राजा हमारे देश से व्यर्थ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं भागा भागा तुम्हारे पास आया हूं। बात क्या है, कुछ कहो तो, हुआ क्या है, कारण क्या है? तब उसने कहा मैं कुंदनपुर नगर के सेठ का पुत्र हूं, मेरा नाम विद्युतद्रंग है, और मेरे पिता ने मेरे पास बहुत सारे धन संपत्ति छोड़ी थी, परंतु मैं दुर्बुद्धि पाप कर्म का मारा मैं
वेश्यागमन में फंस गया और वेश्यागमन में फंस करके मैंने अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर डाला। वह वैश्य मुझे इतनी प्रिय है कि मैं चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए निरंतर मैं उसके पास ही रमण करता रहता हूँ। एक दिवस वो वैश्या बोली कि इन मेरे कुंडलों में, कानों में फंसे हुए कुंडलों से मुझे क्या प्रयोजन है, मैं इस नगर की गणिका, मेरे पास सारा वैभव है लेकिन मेरे पास वो कुंडल नहीं है जो महारानी के कानों में पड़े हुए हैं। यदि मेरे जीवन में वो कुंडल प्राप्त नहीं हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये बात मैंने सुन ली और सुन करके मुझे लगा कि मेरी प्रेयसी को अगर मैं वो कुंडल नहीं दे पाया तो मेरा प्रेम निरर्थक है, मेरा उसको चाहना किस काम का। इसलिए चोरी छिपे में महल में प्रवेश कर गया और मैं रानी के कुंडल निकालने ही वाला था, तभी राजा का वहाँ प्रवेश हुआ और मैं जाकर के रानी के महल में, रणवास में, मैं छिप करके पर्दे के पीछे बैठ गया। वहाँ जब मैं बैठा, राजा को परेशान देख करके रानी ने प्रश्न पूछा कि राजन, हे मेरे प्राण प्रिय, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब राजा ने कहा, जो मेरा अनुचर वज्रकर्ण था वो बगावत पर उतर आया है, वो मुझसे छल करता है, मायाचारी करता है, वो मुझसे द्वेष रखता है, इसलिए उसने अंगूठी में भगवान की प्रतिमा बनवा कर रखी हुई है, मुझे नहीं उस प्रतिमा को नमस्कार करता है, और आज मैंने उसको बुलाया है, वह आता ही होगा और जब वो आएगा तो मैं उसका मरण करूँगा, उसको प्राण रहित कर दूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। ये बात मैंने सुन ली, ऐसे कुंडलों से मुझे क्या प्रयोजन, उस गणिका से मुझे क्या प्रयोजन, मुझे तो हे राजन आपके प्राणों से प्रयोजन है, क्योंकि आप धर्मात्मा हो, धर्म वत्सल ही हो, और धर्म वत्सल होने से मैं आपके गुणों से प्रभावित हूँ, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं भागा भागा आपके पास आया, आप वहाँ मत जाओ, अपनी रक्षा करो। उस वज्रकण का जो परकोटा था वो दुर्लंग था, उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, ऐसा विशाल परकोटा था। उसके गोपर द्वारों पर उसने बहुत सारे सैनिकों को तैनात कर दिया और शीघ्र ही जाकर के साहब पूरे गांव को अपने परकोटे के अंदर बुला लिया उसने। जब वज्रकण वहां नहीं पहुंचा तब फिर सिंहोदर ने उस नगर पर बड़ी भारी सेना लेकर के हमला कर दिया, परंतु गोपर द्वार से प्रवेश न मिल पाने के कारण वह उनका वज्रकण का और उस नगर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। किसी आकर के बहुत क्रुद्ध होकर के उसने उस नगर के चारों तरफ बाड़ लगा करके आग लगा दी और बहुत उत्पात मचाया, जिससे बहुत धनहानि हुई और जीवों का वध हुआ। जो फसलें थीं जल के राख हो गईं, कई फसल अब भी ऐसी ही खड़ी हुई हैं। इस प्रकार से राम को उसने उस नगर का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, हम बहुत दूर से चलते चलते थक चुके हैं, इसलिए तुम्हारी भावज भूख से व्याकुल है, प्यास से त्रसित है, ऐसा करो कहीं से कुछ भोजन की व्यवस्था करो। लक्ष्मण ने कहा, आपकी आज्ञा श्रद्धार है भैया, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या व्यवस्था हो सकती है। ऐसा बोलते हुए पुरुष तो आगे चला गया। तो उससे पूछा लक्ष्मण ने, तुम कहाँ जा रहे हो। बोले, मैं गरीब हूँ, दरिद्री हो गया ना मैं वेश्या के उसमें, तो एक हंडे में, घड़े में कुछ धान भरा रह गया था, मेरा छूट गया था, अब भूखा हूँ मैं, तो उस धान को लेने जा रहा हूँ, वो धान लेकर के आऊँगा तब भोजन करूँगा, तो मैं वो धान लेने जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके वह धान लेने चला गया। इधर लक्ष्मण नगर की ओर चले गए कि कुछ भोजन की व्यवस्था करेंगे, और जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ, गोपुर द्वार पर पहुँचे, तुरंत ही सारे के सारे सैनिकों ने उनको घेर लिया। अब घेर कर सैनिक क्या करेंगे, कल पता लगेगा, आज तो इतने में ही संतुष्ट करना पड़ेगा। अब घेर कर सैनिक क्या करते हैं लक्ष्मण का, ये पता लगेगा आगे के अंक में। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सभ्य साहूणम।